बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम बुक ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर बाय जॉन स्वूड। जॉन स्वूड की किताब से है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहली एग्जांपल है इसमें, हेनरी गेव क्लेयर सम फ्लावर्स। हेनरी ने क्लेयर को सम फ्लावर्स दिए। इसमें हेनरी सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, क्लेयर ऑब्जेक्ट है और सम फ्लावर भी ऑब्जेक्ट है। क्लेयर यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सम फ्लावर्स यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हेयर द वर्ब गिव हैज टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो वर्ब है गिव, उसके टू ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लेयर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लेयर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द पर्सन रिसीविंग समथिंग। सम फ्लावर्स इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो सम फ्लावर्स है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द थिंग दैट समवन गिव्स। इसी स्ट्रक्चर को बराबर वाली एग्जाम्पल में देखिए, हेनरी गेव सम फ्लावर्स टू क्लेयर। यानी अगर आपने सम फ्लावर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाना है तो आपको टू का फ्रेज यूज करना पड़ेगा क्लेयर के साथ में। क्लेयर से पहले टू आएगा। हेनरी गेव सम फ्लावर्स टू क्लेयर, हेनरी ने कुछ फूल दिए क्लेयर को। हेयर गिव हैज टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सम फ्लावर्स जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड अ फ्रेज विद टू। और ये जो फ्रेज टू के साथ यूज हो रहा है, टू कम्स बिफोर क्लेयर, टू आता है क्लियर से पहले। जैसे मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को से पहले आप टू यूज करेंगे, और सम फ्लावर्स अगर पहले अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं, द पर्सन रिसीविंग समथिंग। एक पहचान इसकी ये भी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, कि आप उनको सेपरेटली सेंटेंसेस बनाएं। मिसाल के तौर पे, हेनरी हेनरी गेव क्लियर, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में आपने क्लियर के ये जुमला बनाया है, हेनरी गेव क्लियर, हेनरी ने क्लियर को दिए। अब क्या दिए ये नहीं पता, इसलिए सम फ्लावर्स यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बगैर इसकी मीनिंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस की मीनिंग इनकम्प्लीट है। तो हेनरी गेव क्लियर सम फ्लावर्स, अब इसकी मीनिंग कंप्लीट हो गई कि हेनरी ने क्लियर को कुछ फूल दिए। अब इसी तरह से जब आप डायरेक्ट सेंटेंस के साथ इसको बनाएं क्लियर के बगैर, विदाउट क्लियर, तो ये सेंटेंस बनेगा, हेनरी गेव सम फ्लावर्स, हेनरी ने कुछ फूल दिए। यहाँ पे इसकी मीनिंग कंप्लीट है, इसको क्लियर की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लियर को सम फ्लावर्स की जरूरत है अपनी मीनिंग के लिए। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिक्वायर होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी मीनिंग बताने के लिए, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इट डजंट रिक्वायर अनदर ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द टू स्ट्रक्चर। मजीद एग्जाम्पल्स हैं इनकी, विद टू और विदाउट टू स्ट्रक्चर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे एमा गेव रैचल आ सीडी, एमा ने रैचल को एक सीडी दी। यानी कि रैचल जो है, या तो प्रोनाउन भी हो सकता है, माई कजन है, या फिर नाउन हो सकता है, ऑल द चिल्ड्रन। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं सारे, रैचल, माई कजन, ऑल द चिल्ड्रन। तो एमा गेव रेचल अ सीडी, एमा ने रेचल को एक सीडी दी। तो रेचल यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ सीडी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई विल सेंड माई कजन अ पोस्ट कार्ड। अब ये माई कजन यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ पोस्ट कार्ड यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वी बॉट ऑल द चिल्ड्रन एन आइसक्रीम, ऑल द चिल्ड्रन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एन आइसक्रीम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब आप इसको टू के साथ इस्तेमाल करेंगे, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो एमा गेव द सीडी टू रेचल, एमा ने सीडी दी रेचल को, यानी टू रेचल। इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आप यहाँ पे टू लगा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई विल सेंड अ पोस्ट कार्ड टू माई कजन। तो पोस्ट कार्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू माई कजन, ये फ्रेज बन गया टू के साथ। वी बॉट आइसक्रीम फॉर ऑल द चिल्ड्रन, हमने आइसक्रीम खरीदी सब बच्चों के लिए। अब यहाँ पे टू नहीं आएगा बल्कि फोर आएगा। ये कुछ फ्रेजेस होते हैं जो वर्ब के साथ आपको याद करने पड़ेंगे, कि टू और फोर के साथ। नेक्स्ट उसकी एग्जांपल में, स्लाइड में हम उसको समझते हैं कि टू किसके साथ आता है और फोर किसके साथ, किन वर्ब के साथ हम यूज करेंगे। टू और फोर, वी गिव समथिंग टू समवन एंड वी बाय समथिंग फॉर समवन। यानी हम देते हैं, वी गिव समथिंग टू समवन और बाय करते हैं फॉर समवन, किसी के लिए। अब ये टू के साथ जो फ्रेजेस, जो वर्ब के फ्रेज बनेंगे वो आपके सामने है। वी कैन यूज टू विद दीज वर्ब्स, यानी ब्रिंग टू, फीड टू, गिव, हैंड, लैंड, ऑफर, ओ, पास, पे, पोस्ट, प्रॉमिस, रीड, सेल, सेंड, शो, टेक, टीच, टेल, थ्रो, राइट।
इन सब के साथ आप यूज करेंगे टू, तो टू के साथ ये वर्ब मिलके एक फ्रेज बनेगा। इसकी एग्जांपल आपके सामने, विकी पेड द मनी टू द कैशियर, विकी ने पैसे दिए, पे किए टू द कैशियर, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद टू फ्रेज आ गया, टू द कैशियर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, विकी पेड द कैशियर द मनी, या लेट मी रीड दिस न्यूज आइटम टू यू, लेट मी रीड दिस न्यूज आइटम टू यू। ये यहाँ पर आपने टू का फ्रेज यूज किया, और लेट मी रीड यू दिस न्यूज आइटम। वी शोड द फोटोज टू डेविड, अब देखें वी शोड द फोटोज, अब यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया इनडायरेक्ट। अब डेविड को यानी कि फोटो शो की, तो टू लगा के आपने डेविड मेंशन कर दिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं, वी शोड डेविड द फोटोज। उसके बाद इस्तेमाल है फोर का, फोर के साथ जो वर्ब आएंगे वो ये हैं, बुक फोर, ड्रिंक फोर, बिल्ड फोर, बाय फोर, चूज फोर, कुक फोर, फेच फोर, फाइंड फोर, गेट है, लीव है, मेक ऑर्डर, पिक, रिजर्व, सेव, सेव फोर। तो इस तरह से आप इनके फ्रेजेस बनाएंगे, इनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, इनके साथ आप टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कुछ फ्रेजेस को आपको याद करना पड़ेगा। दे फाउंड अ स्पेयर टिकट फॉर मी, दे फाउंड अ स्पेयर टिकट टू मी नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि स्पेयर के साथ में सॉरी फाइंड, फाइंड के साथ फोर यूज करेंगे, फाउंड अ स्पेयर टिकट फॉर मी। या फिर आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, इस स्ट्रक्चर में भी, कि दे फाउंड मी अ स्पेयर टिकट। अनदर एग्जाम्पल, आई हैव सेव्ड अ सीट फॉर यू, आई हैव सीट सेव्ड अ सीट टू यू, गलत है, ठीक है, सेव फोर, ये फ्रेज आपको याद करना पड़ेगा, और आई हैव सेव्ड यू अ सीट। लास्ट एग्जाम्पल है, मेलनी इज मेकिंग अ केक फॉर डेविड, मेलनी डेविड के लिए केक बना रही है। और सेकंड एग्जाम्पल इस तरह भी कह सकते हैं, मेलनी इज मेकिंग डेविड अ केक, मीनिंग वही है, लेकिन इसमें एम्बिग्विटी है, समझ में नहीं आ रहा कि मेलनी डेविड को केक बना रही है या डेविड के लिए केक बना रही है। तो इसलिए फर्स्ट स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर है, अगर आप उसको यूज करें, मेलनी इज मेकिंग अ केक फॉर डेविड। थैंक यू।